सो गाइस, यूपी बोर्ड ने सभी जिलों में प्रवेश पत्र हैं वो भेज दिए हैं, यानी क्लास टेंथ और ट्वेल्थ की जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसके लिए एडमिट कार्ड सभी जिलों में भेज दिए गए हैं। प्रवेश पत्र में पहली बार हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया गया है विवरण। ऐसा यूपी बोर्ड के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि प्रवेश पत्र पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपका नेम, रैंक, नेम, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दिया जा रहा है। चलिए पूरी खबर क्या है, ये आज के न्यूज़पेपर में खबर निकली है अमर उजाला में, यानी यूपी बोर्ड की ओर से 18 फरवरी से शुरू हो रही हाईस्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का प्रवेश पत्र प्रदेश के सभी 75 जिलों में भेज दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली, मेरठ एवं वाराणसी की ओर से प्रवेश पत्र संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी भेजे जा चुके हैं। यानी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश है कि वो तत्काल प्रवेश पत्र विद्यालयों के समय रहते परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की गलती होने की दशा में उसमें सुधार करवा सकें। तो देखिए फ्रेंड, आखिरकार हुआ क्या है, जितने भी प्रवेश पत्र छापे गए हैं उनमें अनेक प्रकार की गलतियां हुई हैं, तो इसलिए सारे के सारे प्रवेश पत्र आपके स्कूलों में पहुंचा दिए गए हैं। आपको करना क्या है, जल्दी से अपने स्कूल में जाइए, अपना प्रवेश पत्र को चेक कीजिए, अगर उसमें कोई गलती है तो उस गलती को तुरंत ही अपने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य को रिपोर्ट करें, वो आपकी उस गलती को सुधरवा देंगे, क्योंकि ये गलतियां अभी सिर्फ एक बार के लिए ऑनलाइन उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये सुधार सिर्फ एक बार ही किया जाएगा। यानी यूपी बोर्ड की ओर से जारी प्रवेश पत्र में पहली बार परीक्षार्थी एवं उसके माता पिता का नाम अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी दिया गया है। बोर्ड अब की बार छात्र छात्राओं को भी अंक पत्र भी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी करेगा। यानी प्रवेश पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी की दशा में अभिभावक यानी प्रधानाचार्य के माध्यम से अपनी शिकायत ऑनलाइन बोर्ड की वेबसाइट पर सही करवा सकते हैं। यानी बोर्ड अंक पत्र जारी करने से पहले संशोधन का एक मौका देगा, परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। पता चल रहा है कि बोर्ड की ओर से जिलों में भेजे गए प्रवेश पत्र में बड़े पैमाने पर स्पेलिंग की गलती है। परीक्षार्थी इस गलती की शिकायत अपने प्रधानाचार्य से कर दें, जिससे भविष्य में इसे ठीक करवाया जा सके। तो फ्रेंड, ये निकला है न्यूज़, धन्यवाद।